एचएल टीवी न्यूज। ये है रोहतास जिले का चिनारी इलाका। यहाँ हमेशा से पानी का संकट रहा है। पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को खेतों में तो छोड़िए, पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ता है। ग्रामीण विनोद साव भोला चौधरी की माने तो गांव में जल पूर्ति की योजना के तहत पानी की टंकी तो लगाया गया है, लेकिन उनसे महीने में कभी कभार ही पानी आता है। ज्यादातर लोग रोजमर्रा के काम के लिए पोखर या गड्ढे के पानी पर ही निर्भर है। चिनारी के बीडीओ राजेश कुमार का कहना है कि गांव में पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसे उतारने में समय लग रहा है। रोहतास जिला के दक्षिणी इलाका बंजर है तथा यहाँ पानी की समस्या हमेशा से रही है। अभी भी कई गाँव को लोग नदी के पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में सरकार की जल आपूर्ति की तमाम योजनाएं इन तक पहुंचने से पूर्व ही दम तोड़ देती है। पानी के लिए यहाँ पहले से चापाकल था, कुआं था, लेकिन सांसद महोदय से बात हुआ, एक पानी टंकी का प्रोसेस किए हैं, लेकिन अभी पारित अभी नहीं हुआ है। जमीन भी दे दिया गया, बोले हैं कि 2,76,00,000 का योजना है, अभी पारित होने में समय लगेगा। हमारे पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी जो भी हैं, इस मामले को देख रहे हैं और हम लोगों ने भी प्रयास किया है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक जोनों हैं, जो इस मैटर को देख रहे हैं और हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग इसको पूरा करवा लेंगे। रोहतास से एचएल टीवी के लिए रीमा सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।